हाय गाइस, दिस इज दान फ्रॉम फिलाइफ और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स जो हमको लगते हैं आगे के लिए। पर्टिकुलरली मार्च में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और हमको 5 से 7 कंपनियां जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमने रेगुलरली वीडियोस बनाई हैं उनमें से। सो मेजरली कुछ कंपनियां हैं जो असेट बेस के बेसिस पे अच्छी लगती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो अपनी फ्यूचर ग्रोथ और जो आगे की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और पास्ट रिकॉर्ड जो उन्हें शो कर रहे हैं उसके बेसिस पे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी रेगुलर वीडियोज मिलती रहे। सबसे पहले हम विसाखा इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो विसाखा इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें तो ये कंपनी है जो सीमेंट लाइन में है, सीमेंट और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में है पर्टिकुलरली, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो काफ़ी तेज़ ग्रो करा है और लगभग 50% से ग्रो करा है। लेकिन हम कंजर्वेटिव अप्रोच भी अगर लेते हैं 20% की ग्रोथ से भी, तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको इस कंपनी में लगभग 24 से 41% तक के रिटर्न मिल सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है 361 के आसपास और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1000 से 2000 के बीच में इसका रेट हो जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है कंपनी, मेनली सीमेंट वगैरह का काम है और कंपनी काफ़ी ग्रोथ करती रहती है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है फॉर द लास्ट सम ईयर्स। कंपनी में डेट भी बहुत कम है तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। इसी के साथ ही नेक्स्ट कंपनी पे अगर चले तो GNA एक्सल्स हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो ऑटो एंसिलरीज और ऑटो के पार्ट्स बनाती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में जो काफ़ी समय से थ्राइव कर रही हैं, पिछले 20 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के रही हैं। तो GNA एक्सल्स हमारी सेकेंड कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। इसका करंट अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट अराउंड 22-28% के आसपास आ रहा है, तो रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। और कंपनी का अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस देखें तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20% की ग्रोथ रेट के हिसाब से 1000 से 1100 रुपये का रेट हो जाना चाहिए अगले आने वाले 5 साल में, जो अभी 312 रुपये चल रहा है। डेट भी कंपनी में नहीं है और कंपनी अगर देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है कंपनी में। कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट आपका 260 के आसपास है और उस हिसाब से कंपनी अभी भी अच्छी लगती है इस वैल्यूएशन पर। इसी के साथ ही थर्ड कंपनी की अगर बात करें तो सेंचुरी प्लाईवुड हमारी थर्ड कंपनी है। और थर्ड कंपनी इसमें अगर हम देखें तो आपको मार्केट कैप कंपनी का 3500 करोड़ का है और कंपनी अपनी इंडस्ट्री में तो लीड है ही। तो इसी हिसाब से 2018 में अगर देखें तो इनकी ग्रोथ रेट भी अच्छी रही है और अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ रेट रही है वो लगभग 30% की रही है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्राइसेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 545 और 627 के बीच में कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है 160 रुपये और कंपनी इंक्रीज करती चली जाएगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर बुक वैल्यू और डेट की बात करें तो कंपनी में डेट है लेकिन डेट बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो इसके असेट से ज़्यादा हो, तो इसलिए कंपनी सही है, कहीं बैंक्रप्सी वगैरह के चांसेस नहीं है और काफ़ी पुरानी कंपनी तो है ही, तो ओवरऑल हमको काफ़ी सही लगती है कंपनी। फोर्थ असेट बेस पर अगर देखें तो शिल्प ग्रेवियर एक कंपनी है जो ग्रोथ के बेसिस पे नहीं, अभी जो मैंने 3 कंपनियां बताई है वो मेजरली ग्रोथ के बेसिस पे बताई है कि ग्रोथ हमको इन तीनों कंपनियों की अच्छी लगती है तो उस बेसिस पे अच्छा ग्रो कर सकती है। शिल्प ग्रेवियर एक कंपनी है जो अपनी बुक वैल्यू और असेट्स के नीचे मिल रही है, तो कंपनी में असेट्स हैं आपके 85 करोड़ के, डेट कंपनी में है 9 करोड़ का और इसी के साथ ही मार्केट कैप कंपनी की 55 करोड़ की है, तो करंट स्टॉक प्राइस लगभग 90 के आसपास चल रही है। 55 से 60 करोड़ का इसका मार्केट कैप है तो कंपनी, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी कहीं घपला कर सकती है ज़्यादा, क्योंकि एक ऑब्वियसली करने को कोई भी कंपनी कर सकती है, लेकिन कंपनी के ऑडिटर्स की बात करें तो डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स भी इनके ऑडिटर्स हैं, तो ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है ये असेट प्ले पर, क्योंकि इस कंपनी में असेट्स ज़्यादा हैं और मिल कम सस्ती रही है। कंपनी प्रॉफिट भी कमाती है, ऐसी बात नहीं है, कंपनी लगभग 7 से 8 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाती है और कंपनी का मार्केट कैप आपका 55 से 57 करोड़ का है, तो विच इज़ गुड, ओवरऑल बढ़िया लग रही है। तो 88 रुपीज़ के हिसाब से हमको लगता है कि आपको करीब 18 से 20% 30% तक का रिटर्न दे सकती है अगले 5 सालों में, असेट बेसिस पे भी और ग्रोथ फैक्टर भी इसमें बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से लगभग 200 से 400 तक का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है अगले आने वाले 5 सालों में, और ऑडिटर्स का तो बेनिफिट है ही, प्लस इसका नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 80 रुपये के आसपास है शिल्प ग्रेवियर का, तो काफ़ी अच्छी लगती है कंपनी। प्लस सबकी पसंदीदा एक कंपनी मदरसन सुमी जो सबको बढ़िया लगती है, लेकिन करेंटली स्टॉक पिटा हुआ है, हल्का सा नीचे है और स्टॉक का प्राइस भी करेक्टेड है। इसी के साथ ही PPAP एक कंपनी है जो इसी के साथ ऑटो एंसिलरीज में है, तो मैं इन दोनों को साथ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम सेक्टर में हैं और अच्छी ग्रोथ लग रही है दोनों में। अगर मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी का करंट स्टॉक प्राइस लगभग 140 के आसपास चल रहा है, कंपनी काफ़ी बड़ी है
और कंपनी में असेट्स 37,000 करोड़ के हैं, डेट 9,000 करोड़ का है, जो भी कवर्ड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपका ग्रो कर रहा है रेगुलरली एट द रेट ऑफ 20%, तो इस हिसाब से हम लोग को लगभग 400 से 700 रुपये तक का रेट मिल सकता है ओवरऑल इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उस हिसाब से आपको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 25 से 28% तक का रिटर्न एवरी ईयर मिल सकता है अगर कंपनी फिर से सही होकर चलना शुरू कर जाती है। अभी कंपनी में हल्की सी इश्यूज़ हैं, लेकिन प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कंपनी इस प्राइस पर। ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदर संसुमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एथिकल फैक्टर में भी बहुत अच्छी है, सप्लायर्स वगैरह इनकी बहुत तारीफ करते हैं। पीपीएपी जो दूसरी कंपनी है वो मेजरली मारुति को सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स, और कंपनी का मार्केट कैप 350-360 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो मेजरली ऑपरेशंस हैं वो नोएडा सेक्टर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वगैरह में होते हैं, और यहीं से इनकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ से ये मेजरली सप्लाई करती हैं। कंपनी काफ़ी समय से ग्रो कर रही है, और इनका जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट आया है वो लगभग 60% का है, लेकिन हम कंजर्वेटिव अप्रोच अगर लें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इनका फ्यूचर का जो रिटर्न और स्टॉक का प्राइस हो जाएगा वो करीब 830 से 1450 के बीच में ट्रेड करना चाहिए अगले आने वाले 5 साल के अंदर। करेंट स्टॉक प्राइस चल रहा है इसका 280 के आसपास, तो जो काफ़ी अच्छा लेवल है, और नियरेस्ट सपोर्ट इसका आपका है 256 का, जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ी है और वहाँ से स्टॉक पलटा भी है। तो वॉल्यूम जहाँ पर भी इंक्रीज़ करती है तो आपको एक वो भी सिग्नल मिलता है कि अगर बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है वॉल्यूम पर तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही मेरा एक यूडेमी पे कोर्स भी है जो आप देख सकते हैं, वो यूडेमी का कोर्स आपको काफ़ी इंसाइट देगा, लगभग 3.5 घंटे का कोर्स है, और वो आपको बहुत अच्छा इंसाइट देगा और काफ़ी डिटेल्स देगा कि किस तरह आप स्टॉक्स को एनालाइज़ कर सकते हैं फंडामेंटली, टेक्निकली, टेक्निकल में क्या क्या मेजर पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम्स को कैसे एनालाइज़ करना है जिससे कि आप अच्छे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, प्लस नई कंपनियां भी देख सकें। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती देखने को, नहीं तो देखने को बहुत चीज़ें भी होती हैं, आप कंपनी में देखते ही जाएँ, घुसते ही जाएँ तो बहुत डिटेल्स भी देख सकते हैं, और ड्यू डिलिजेंस जितनी करना चाहें वो तो कम है। तो यूडेमी का कोर्स देखिए हमारा, उससे आपको बहुत अच्छी डिटेल्स, बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी। प्लस नेक्स्ट कंपनी पे चले तो संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो काफ़ी अच्छी लगती है हमको। इनके भी ऑडिटर्स डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स हैं, और कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 887। अर्निंग पर शायद ग्रोथ रेट आपकी 32% की रही है, तो उस हिसाब से अगर 20% की कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेते हैं, हम लोग का मेनली टारगेट ये नहीं रहता कि भाई स्टॉक का इतना रेट दे दो कि भाई कभी अचीव ही ना हो, या ऑप्टोमिस्टिक फिगर दे दो कि सब लोग खरीदने शुरू कर जाएँ या कुछ। हम लोग वो चीज़ करते हैं पर्टिकुलरली जो ऐसी हो, जेन्युइन हो, जो रिटर्न दे सकती है और आपको रियलिस्टिक हो। तो इस हिसाब से करंट रेट 887 का चल रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 2100 से 6000 तक का रिटर्न आपको मिल सकता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्लस कंपनी माइनिंग और मिनरल में है, वो भी सेक्टर ग्रो कर रहा है, एंड ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है हमको। तो मेजरली ये हमारी 7 कंपनीज थी जो हमको काफ़ी अच्छी लगी हैं, और जो ग्रो भी कर रही हैं और रिटर्न भी अच्छा आ रहा है इन कंपनीज़ में। सो ओवरऑल दीज आर वंडरफुल कंपनीज़। प्लस अगर आपके पास यूट्यूब पे प्लीज़ कर सब्सक्राइब अस एंड चेक अस आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर हम 1 मिनट की वीडियोज़ डालते हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। प्लस आपके पास कोई भी कमेंट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, विच कैन बी प्रिटी गुड, और हमको भी नई कंपनियाँ पता चलती रहती हैं। मेजरली ये कंपनियाँ हम लोग ये रिटर्न्स जो हैं और यूट्यूब वगैरह जो भी है उससे हमको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते। मेजरली जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों से हमको मिलता है और नई कंपनियाँ आप लोग बताते हैं हमको, हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, हमको खुद स्टॉक्स अच्छे अच्छे पता चलते हैं, और अच्छे स्टॉक्स पता चलने के बाद हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। तो हमारा मेजरली कोई रेवेन्यू मॉडल जो हमारा ये फिनलाइफ का पैसिव इनकम जनरेटर चलाने का है वो यही है कि जिससे कि हमको नई कंपनियां पता चलती रहें और हम इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया रिटर्न कमाएं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ।